हिमाचल के ज्वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी कोटला में एक युवक की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गत रात्रि 32 मील एरिया से पुलिस को फोन आया कि एक व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जिस पर पुलिस आरोपी के घर में गई। आरोप ये भी है कि वहां पुलिस ने युवक, जो कि पुलिस में कार्यरत है, की लाठी डंडों से निर्मम पिटाई कर दी और फिर उसे उठाकर चौकी ले गई। सुबह युवक को बेहोशी की स्थिति में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक कोमा में चला गया है। युवक के परिजनों व स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने युवक रविंदर राणा को बड़ी बेरहमी से पीटा है, इसी वजह से आज युवक कोमा में है। लोगों का कहना है कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा व एसएचओ प्रशांत ठाकुर मौके पर पहुंचे तथा उग्र भीड़ को ये कहकर शांत करवाया कि वह खुद मामले की जांच कर रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा। इधर लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे चक्का जाम करने पर भी विवश। 32 मील का लड़का जो पहले आर्मी में था, अब जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो उन्होंने उनको बोला क्या हुआ, उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने उन्होंने बोला कि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो गया था, उसकी उसकी बीबी ने उसको फ़ोन किया, कोटला चौकी में किया, तो कोटला चौकी के दो कस्टमर आए, उन्होंने उसको जाकर घर में थपचंड की उसकी, उसके बाद उसको अपना उन्होंने पत्नी ज्वाली में फ़ोन किया कि कोटला चौकी में उसको फ़ोन किया, उन्होंने 5-6 बंदे चौकी के कोटला और आए, कोटला गए, ज्वाली गया, ये मैं जानता हूँ। उन्हें आते हुए उस आदमी को इतना पीटा, डंडे से, बेलचे से, जो घर में पड़े थे डंडे पड़े थे, बेलचे पड़े थे, उससे इतना पीटा उसकी छाती की पौष की हड्डी टूट चुकी है, उसके बाजू फ्रैक्चर हो चुका है, जो कि उसको रात को फिर कोटला चौकी में लेकर आए और सुबह उन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ था, मुँह में पानी निकल रहा था, उन्होंने फिर एम्बुलेंस में डाला, जो सापर लेकर गए, सापर से उन्होंने रेफर कर दिया टांडा में, और टांडा से उन्होंने कहा कि दिमाग की MR होगी और सिटी हॉस्पिटल में कराया उसका। उन्होंने बताया कि इसके सिर में जो है कि ब्रेन चोट लगी हुई है, इसका ब्लड जाम हो गया है, उसको आप या PGI ले जाओ या कहीं और ले जाओ। उसका घरवाले ने, उसकी बीबी ने बोला हम कहाँ लेकर जाए, तो उन्होंने बताया कि उसको अमदी पठानकोट में लेकर जाओ, जो 100% में से 95% बेहाल, 5% बच सकता है, वो भगवान की दुआ, आपकी दुआ है, सबसे बच सकता है। पता नहीं क्या इतना रहमी से पुलिस कोटला चौकी ने पीटा बंदा, अपना ही बंदा इतना जोर से पीटा है, हमारे ऊपर क्या इंसाफ करेंगे, ये पब्लिक पुलिस से जो है हमारी रक्षा कर सकती है, इतनी रहमी से पीट नहीं सकते। हमारे घर में पशु डंगर आते हैं तो हम इतने नहीं उसको पीटते हैं जितना पुलिस वाले को मारा हुआ है, और हमारे साथ क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। उनको अभी टाइम लिया, उन्होंने बोला 10 मिनट बाद आपको इसकी कार्रवाई करते हैं, तो मैं लोगों को फ़ोन किया, चौकी चंद्र कुमार जी को फ़ोन किया, वो आएंगे अभी तक 2-3 घंटे हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कोई आया। हमारा लड़का जो है बेहालत में है, कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब जो लड़के का जवाबदारी है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, और अर्जुन ठाकुर जी के ऊपर है, और चौधरी चंद्र कुमार जी के ऊपर है, हम उनसे लेंगे। इतना पुलिस वाले ने क्यों मारा, पुलिस वाले को मार सकता तो हमारे ऊपर कितना पेड़ साफ कर सकते हैं। हमारे को ये चाहिए ना, 10 मिनट का टाइम दे, 10 मिनट बाद ये कुछ नहीं करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, चक्का हमने इंसाफ चाहिए, चक्का जाम करेंगे। कल को ये पुलिस वाला लड़का जो मर सकता, जो इसकी माँ है वो विधवा है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।